Assalamualaikum students. Students, FSC chapter number 7 से हमारा second lecture है, हमारा उसमें topic है 7.3, that is phase. Phase students, हमने last अपना lecture जो था displacement में भी हमने phase को थोड़ा सा define किया था. तो phase is basically an angle define अब हम करते हैं. Phase, the angle which the angle which gives the displacement as well as the direction of motion of point is called phase. Student, phase basically एक तो हम उसकी मदद से displacement को measure कर सकते हैं. Phase basically displacement को measure करता है या define करता है. Plus जो है हमें बताता है कि हमारा जो pointer है उसकी direction जो है वो किस movement में. आपने last lecture में आपने जो है वो इसको detail से simple harmonic motion को किया था और उसमें uniform circular motion को भी study किया था. तो उसी के related कुछ points हैं जो यहाँ पे हम लोग जो है वो discuss करेंगे. The angle which determines the state of motion of the vibrating point is called the phase. जो कि इस ये हमारा vibrating point है P, इसकी जो different states हैं उनको जो हमें define करके देता है या indicate करता है, that is basically called the phase. तो phase, अगर for example इस point P को लें तो हमारे पास ये हमारा point है N जो कि यहाँ पे inside move कर रहा है. तो इस P के according यहाँ पे एक angle बनेगा थीटा. That will indicate कि इस P की हमारे पास ये जो N है इसकी direction क्या है, upward move कर रहा है, इसकी state इस वक्त कहाँ पे है, ये top पे है, center पे है या downward है, वो basically कहाँ से define होता है, theta angle की मदद से. तो वो basically उसको हम जो है वो phase कहते हैं. तो the angle is obtained when simple harmonic motion is related with the circular motion. ये हम study कर चुके हैं कि एंगल तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो किससे इंडिकेट की गई होती है या किससे रिलेटेड होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किससे, सर्कुलर मोशन के साथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट नंबर वन हम केस लेते हैं इसका, एट टी इज इक्वल टू जीरो. अगर t is equal to 0 हो तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा P के कहां पे होगा, इनिशियली O 1 के ऊपर. ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट O है, O 1 यहां पे पॉइंट हमारा P लाई करेगा. पॉइंट कहां पे, O 1 के ऊपर. एंड N इज एट द मिन. हमने ये कल भी अपने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि ये जब आपके पास पॉइंट P यहां पे होगा तो N जो है वो कहां पे लाई करेगा, आपका ओरिजिन के ऊपर. अगर N ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, N ओरिजिन के ऊपर लाई मींस इनिशियल फेज ऑफ द रोटेटिंग रेडियस OP इज 0. इनिशियल फेज यहां पे क्या है, अभी जब ये पॉइंट कहां पे है, 0 के ऊपर, तो इनिशियल फेज इसका क्या है, 0 है. और इस पॉइंट के ऊपर आपके n भी कहां पे होगा, 0 के ऊपर. तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो भी 0 ही होगा. मींस आपका एंगल जो है वो आपको बता रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है. फॉर एग्जांपल आपने यहां से इसको मूव किया विद सम एंगल थीटा या फाई, फाई सम एंगल के साथ आपने जब इसको मूव किया है तो मूव करते हुए आपके पास क्या होगा कि इसका जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज भी. अब P को यहां से यहां तक मूव करेंगे, N भी जो है वो यहां तक मूव करेगा. मींस आपका कोई ना कोई ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कवर हो जाएगा. अभी ये पॉइंट P जो है 0 से मूव करके इस पॉइंट P तक लाए तो आपका N भी कहां पे है, इस पॉइंट के ऊपर. मींस ये वाला एक आपने डिस्प्लेसमेंट क्या है, कवर कर लिया. इसका मतलब है कि जो थीटा है एंगल बेसिकली फेस जो आपका वो आपको इंडिकेट करके देता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो स्टूडेंट्स इसका एक जनरल केस लेते हैं कि लेट एट t इज इक्वल टू 0 द एंगल मेड बाय द रोटेटिंग रेडियस OP विद द रेफरेंस OO1 इज phi. हम ये कंसीडर करते हैं कि फर्स्टली ये जो हमारा O से O1 है, ये P यहां पे था और इसने एक एंगल बनाया इसके साथ, दैट इज मतलब फर्स्ट केस हमारा ये है कि एट t इज इक्वल टू 0 P हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर है और इसके साथ इसका एक एंगल है, दैट इज phi. फाई एंगल जो है वो इनिशियली कहां पे बनाता है, ओ किस ओ वन के साथ. आफ्टर द टाइम टी द रेडियस रोटेट थ्रू द एंगल ओमेगा टी, द एंगल मेड बाय द रोटेटिंग रेडियस विद द रेफरेंस लाइन OO1 एट टाइम टी इज फर्स्टली यहां पे पॉइंट है और इसका एक एंगल है जो कि है फाई. अब ये यहां से मूव करता है और इस पॉइंट तक आता है और यहां पे आते आते एक एंगल बनाता है जो कि है ओमेगा टी. ये एंगल्स को इसमें यहां से ये डायग्राम
फेस दोबारा से ड्रा करनी है, बट इसको मैं जो है वो दोबारा ड्रा करने के बजाय फर्स्टली यहाँ पे था ये पॉइंट और यहाँ पे एक एंगल इसने बनाया था वो था हमारे पास फाइव और दूसरा एंगल ओमेगा की। तो यहां तक का टोटल एंगल जब हम फाइंड करेंगे तो टोटल एंगल हमारे पास क्या होगा थीटा एट टाइम टी के ऊपर हमारे पास जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू एक तो आ गया फाइव और प्लस हमारे पास क्या होगा फाइव प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस फाइव, टोटल एंगल हमारा क्या बनेगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट और साइन थीटा होता है। अगर वैल्यूज पुट करें तो x इज इक्वल टू x नॉट साइन फाइव प्लस ओमेगा टी, फाइव प्लस ओमेगा टी क्या है ये एंगल जो कि इसके साथ हमारे पास। तो इस केस के अंदर हमारा इनिशियल पॉइंट O1 था और सेकंड हमारा जब फाइनल पॉइंट है वो क्या है P है। लेट्स से कि हम लोग एक नई इसी तरह का कंसीडर करते हैं कि हमारे पास फर्स्टली फर्स्ट केस ये हमारे पास इनिशियली हमारे पास पॉइंट है या जो P है वो यहां पे है, यानी कि O के साथ इसका जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। और सेकंड जब हम इसको थोड़ा सा आफ्टर टाइम टी ये हमारे पास कहां पे चला जाता है यहां पे और यहां पे जो एंगल बनता है वो क्या है ओमेगा टी है। अगर हमारा इनिशियल फेस क्या हो पी वन यहां पे हो इनिशियली और सेकंड एंगल हमारे पास क्या हो यहां पे दैट इज ओमेगा टी। तो टोटल अगर एंगल हमने फाइंड करना है तो टोटल एंगल को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे फर्स्ट हमारे पास यहां पे था 90 और देन आगे से ओमेगा टी। तो इन दिस केस हमारे पास x is equal to x not sin हमारे पास है omega t और plus जो है वो phi equal to किसके है phi हमारा क्या था initial phase था। initial phase कितना है हमारा अभी 90 और next angle कितना है omega t। अगर इसको हम solve करें students last lecture में भी हमने किया था तो sin omega t plus 90 ये equal होगा sin omega t cos 90 और प्लस cos ओमेगा टी प्लस सॉरी इनटू sin 90। तो ये sin 90 जो है 1 के इक्वल ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास किस का आएगा cos ओमेगा टी के इक्वल। इसका मतलब है x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा दिस विल बी द हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन दैट केस जब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो 90 डिग्री के ऊपर हो। तो ये हमारे पास था दिस इक्वेशन गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बट इन दिस केस द पॉइंट n इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि जब यहां पे p है तो हमारे पास n भी क्या है यहां पे है तो यहां से जब इन दैट केस जो हमारे पास स्टार्टिंग होगी या मूवमेंट स्टार्ट होगी वो बेसिकली कहां से होगी एक्सट्रीम से और n की जो डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी डाउनवर्ड होगी। ठीक है क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आप p को आगे लाते जाएंगे n जो है वो नीचे मूव करता जाएगा और एट दैट मोमेंट आपका एंड दोबारा कहां पे आ जाएगा जीरो के ऊपर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हमारा जो इसके साथ स्टूडेंट्स एक टॉपिक है दैट इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम 7.4। इसमें स्टूडेंट्स एक डायग्राम ड्रा की गई है जिसमें एक स्प्रिंग है जो कि इसके साथ एक मास है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक टेबल के ऊपर इसको हमने एक जगह पे बांधा हुआ है। जहां पे इनिशियली मास है ये आपने समझ लेंगे ओ यानी कि क्या है मीन पोजिशन है। मीन पोजिशन से आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं इसको मूव करवा के लेके जाते हैं पॉइंट यहां से इसको खींचते हैं मूव लेके जाते हैं पॉइंट ए तक। पॉइंट ए पे जैसे आप छोड़ेंगे एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि इसको वापस लेके आएगी यहां पे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन पे आने के बाद वो फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि ये यहां से आगे मूव कर देगा और चला जाएगा पॉइंट यहां पे ए प्राइम पे जस्ट लाइक दिस। लेकिन यहां से फिर से एक रेजिस्टिव फोर्स है जो कि दोबारा वापस लेके आएगी कहां पे मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट जैसे मूव करेंगे कुछ डिस्प्लेसमेंट तय होगा तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बट
ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये बेसिकली कौन से होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसमें हम लोग जो है वो एक मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं जिसको कि हमने एक फिक्स रिस्ट बॉडी के साथ फिक्स लिंक बंधा हुआ है। तो जैसे आप थोड़ा सा इसको ऑसिलेट करवाते हैं या थोड़ा सा इसको मूव करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इसमें हम आते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना है कि ये जो मूवमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, मैथमेटिकली हम इसको प्रूव करेंगे। देन उसको यूज करते हुए हम इसकी फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करेंगे, इसका जो है हमारे पास टाइम पीरियड उसको फाइंड करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को देखेंगे वो फाइंड करेंगे, प्लस इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी क्या है, तो वो सारी वेलोसिटीज भी हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमारे पास स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास है दैट इज F is equal to ma. Newton's second law है F is equal to ma. हमारे पास first law. Students also by Hooke's law. Hooke's law यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो acceleration produce होता है वो आपका हमेशा क्या होता है कि displacement और जो आपकी force और displacement है ये दोनों आपके हमेशा क्या है directly proportional है but in the opposite direction. जिसकी force और जो आपका displacement means F is equal to minus ये आपका है इक्वल बाय यूजिंग द हुक्स लॉ। अगर इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स कंपेयर करें, कंपेयर वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करें तो हमारे पास यहां से आता है एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां से ए को फाइंड करना एक्सप्रेशन को तो इसको दूसरे ले जाते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, के जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी हम इसको हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट है और मास जो है वो भी क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस k बाय m, दोनों कांस्टेंट थे तो उसको हमने k बाय m और इक्वालिटी को किससे चेंज कर दिया, प्रोपोर्शनल के साइन के साथ। तो a इज प्रोपोर्शनल टू x, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन के साथ। दिस इक्वेशन शोस दैट कि हमारे पास जो ये सारी मूवमेंट है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट है, यानी मोशन हमारी क्या है, सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सेंट्रल मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो ओबे करता है। यहीं से हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन जो है ये हम थोड़ा सा क्योंकि हमने इनको यूज कर रहे हैं तो आप याद भी रखेंगे, अभी हमने फाइंड आउट जो किया था ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स, ये जो है वो नेक्स्ट आगे अभी यूज भी होंगे रिलेशन, ठीक है। तो हम चलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, नंबर वन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास हमने अपने लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें हमने फाइंड किया था एक्सप्रेशन जो है इज इक्वल टू, यानी हमारे पास जो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन आया था वाज एस वी नो हमारे पास है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, यहां से ये ओमेगा स्क्वायर जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन है, ए हमने यहां पे फाइंड किया हुआ है। ये हमारे पास कुछ एक इक्वेशन थी, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स, हमने क्या किया ये एक्स और माइनस को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिए, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स इनटू आर स्क्वायर रूट में, दोनों साइड से स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो वहां से स्क्वायर रूट से हमारे पास जो है ये हमारे पास ओमेगा के पास स्क्वायर खत्म होगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो ये है के एक्स ओवर एम माइनस इनटू माइनस के ओवर एम एक्स और डिवाइडेड बाय ये एक्स, इसी तरह से ये सारा स्क्वायर रूट माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स और एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सॉरी माइनस तो उसका कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय एम, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हम जो है इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते, तो हमने यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड की किस तरह से ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को अलग किया, ए की वैल्यू पुट की इक्वेशन 3 से, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा के ओवर एम।
तो नंबर फोर इक्वेशन में हमने क्या किया, ओमेगा को फाइंड किया जो क्या के ओवर एम स्क्वायर रूट नंबर फोर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जो क्या हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं टाइम पीरियड कैसे होता है। स्टूडेंट्स टाइम पीरियड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू होती है, सिंस हमें पता है कि सिंस ओमेगा या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड होती है। कैसे, जब आपके पास कोई बॉडी जो है वो एंगुलर यानी कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं, आपके पास ये कुछ एक्सिस है, आपका एक बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है। वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस ओवर बाय टाइम। स्टूडेंट्स ओमेगा, आप यहां पे इक्वेशन 4 से ओमेगा की वैल्यू पुट कर ले तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट k ओवर m। अगर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड के पास नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसी के साथ ही कर रहे क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी जो होती है एज वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टी होती है। इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी करें तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट एम ओवर के। इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे या आप इसको ऊपर लेके जाएगा, अगर 1 ओवर t है तो 2 पाई के नीचे इस टर्म का, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट k ओवर m। दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूटिंग जो मैच स्प्रिंग सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये टाइम पीरियड के साथ हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट किया है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नंबर जो हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। या हम इसको जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, थीटा का थीटा इज इक्वल टू किसके था ओमेगा टी, ये तो साइन ओमेगा टी, तो यहां पे भी ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है के बाय एम और इनटू टी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल था स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, इस ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, आपका ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद है हमारे पास वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का रिलेशन हमने लास्ट अपने लेक्चर में वेलोसिटी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। v इज इक्वल टू हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर, हमने ये लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट भी किया। इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आएगा k बाय m और यहां पे ये सारा भी इस तरह से x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये दोनों आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट के
अंदर भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपके इंस्टेंटेनियस जो आपका क्या आ जाएगा आपके पास वेलोसिटी। अब अगर स्टूडेंट इसको मजीद आप सॉल्व करना चाहें तो मजीद सॉल्व करते हुए अगर इसमें से आप एक्स नॉट को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स नॉट स्केयर क्या हो कॉमन, तो वी इज इक्वल टू स्केयर रूट के बाय एक्स नॉट स्केयर इनटू यहां से एक्स नॉट स्केयर बाहर चला जाएगा तो वन बचेगा माइनस, यहां पे एक्स नॉट था ही नहीं तो इसके सीधे क्या होगा डिवाइड एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर, यहां से ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्केयर रूट के बाय एन इंटू वन माइनस एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर। तो ये जो है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी। ठीक है जी, जस्ट पहले ये फार्मूला सिंपल आप कोनिक पोर्शन में इसको यूज किया, ओमेगा की वैल्यू पुट की के बाय एन, इसमें से एक्स नॉट स्केयर को कॉमन लिया, यहां पे था नहीं तो यहां से बाहर चला जाएगा, यहां पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो वो आपके पास इस टाइप को अंदर मल्टीप्लाई करें ये दोबारा से एक्स नॉट स्केयर एक्स नॉट एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा दोबारा एक्स स्केयर बनेगा। तो ये आपके पास जो है उसका एक्स नॉट स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल कर दिया वो बाहर आ गया तो बाकी था उसी तरह से वेलोसिटी आ गया आपकी। यहां से स्टूडेंट्स दो केसेस हैं वो है मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो हम केसेस देखते हैं, नंबर वन मिनिमम वेलोसिटी। स्टूडेंट्स वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, हमने ये लास्ट लेक्चर में किया था कि वेलोसिटी जो होती है वो कहां पे मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू किसके होता है एक्स नॉट के और वेलोसिटी विल बी मिनिमम। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाय एन वन माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, क्या किया हमने x की जगह पे x नॉट पुट किया ये कैंसिल होगा तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k ओवर n इनटू 0। तो ये सारी की सारी टर्म वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहां पे 1 है माइनस 1 1 माइनस 1 0 आएगा तो 0 की वजह से ये सारी की सारी टर्म कैंसिल, वेलोसिटी कितनी होगी मिनिमम होगी 0 होगी। इसके साथ दूसरा पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी, नंबर टू मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स मीन पोजीशन के ऊपर, और मीन पोजीशन के ऊपर आपका एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 के, एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम। वैल्यूज पुट करें v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट k बाय n इंटू वन माइनस जीरो ओवर एक्स नॉट स्केयर, तो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट के बाय एम इंटू वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के बाय एम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, या इसको हम यहां पे छोटा सा आप मैक्स लिख सकते हैं साथ में, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो रिलेशन है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपने वेलोसिटी फाइंड की थी, ये आपका क्या था मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां पे हम एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है और मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, तो रिलेशन बिटवीन v इंस्टेंटेनियस एंड v मैक्सिमम, v मैक्सिमम जो है वो और v जो इंस्टेंटेनियस है दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, यूजिंग इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन है v नॉट v की वैल्यू को अगर हम जो है वो यूज करें यूज इक्वेशन v नॉट इक्वल टू हमने निकाली क्या ये v या v मैक्सिमम, इस v मैक्सिमम को अगर हम जो है वो यूज करते हैं यहां पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यूज करें तो हमारे पास जो है वो v या हमारी v इंस्टेंटेनियस है यानी कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट k बाय m वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट्स इस पॉइंट x नॉट पे यहां से x नॉट को फाइंड करते हैं यहां से ये x नॉट k ओवर m x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m यहां पे अगर यूज करें तो हम किस तरह से जो है वो इस वैल्यूज को v को और v नॉट को किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो यूज इक्वेशन 10 इन इक्वेशन
9, ये जो इक्वेशन है इसको हम, ये इक्वेशन 9 है हमारी, ये इक्वेशन है इसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं। मींस हमारे पास है v मैक्सिमम, यानी v नॉट जो v नॉट इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर रूट k बाय m। अगर इस टर्म को स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास v इज इक्वल टू बनता है x नॉट स्क्वायर रूट k ओवर m और स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट, ये दोनों जो स्क्वायर रूट है इनको हमने ब्रेक किया है। इसमें से स्टूडेंट्स ये वाली जो सारी टर्म है, ये सारी टर्म ये किसके इक्वल है, v नॉट के। इसका मतलब है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या, v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास v इंस्टेंटेनियस और v नॉट जो है दोनों का रिलेशन आ जाता है। जैसा हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद ये सारी टर्म v नॉट के इक्वल है, बाकी टर्म आप ये बचेगी जस्ट दिस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन v नॉट एंड v इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी, ये दोनों का रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फाइंड आउट किया हमारे पास जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, हमने पहले जो है वो डिफाइन किया फेस को और फेस के रिलेटेड, फेस के डिफरेंट हमने इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को देखा। देन हमने जो है वो मास स्प्रिंग सिस्टम को देखा, मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव किया कि जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्वे करता है या नहीं। उसके बाद हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड की, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी के बाद जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी और लास्ट में जो है मैक्सिमम वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा। तो होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, सिंपल मैथ्स है इसका मैक्सिमम। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।